हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बिल्कुल हेल्थ का खजाना है और किसी भी मौसम में इसको हम खा सकते हैं और इसको स्टोर करके रख भी सकते हैं। और इसमें सारी चीज़ें जो डाली गई हैं बहुत ही हेल्दी हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो घर का कोई भी ना खा सके। तो आप इस लड्डू को अपने घर में ज़रूर बनाइए। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कुछ इसमें सीड्स यूज़ किए हैं। मैंने पम्पकिन सीड लिया है और उसको मैंने लिया है एक छोटे बाउल से, एक बाउल लिया है। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करते हुए इसको हम 5-6 मिनट के लिए भुनेंगे। 5-6 मिनट में ये भुन जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है और थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाता है। इतना ही इसको भुनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, नहीं तो फिर ये टेस्ट ख़राब हो जाएगा इसका। और फिर हम कढ़ाई से इसको निकाल लेंगे, क्योंकि कहीं ज़्यादा ना सिक जाए। और इस सारी चीज़ों को हम एक साथ इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले मैंने पम्पकिन सीड को भून लिया है। अब इसके बाद मैंने लिया है इसमें सनफ्लावर सीड, इसको भी हम चला लेंगे इसी तरह से, हल्के हल्के से चलाते हुए गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करेंगे। और ये थोड़ी सी ये फूलने लगेगी, इसमें से थोड़ी सी आवाज़ भी आती है और हल्का सा कलर चेंज हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा देर तक कोई भी सीड्स भुनी नहीं जाती है। फिर हम इसको अलग से निकाल लेंगे। और इसमें मैंने डाल दिया है 4 मगज, इसको भी मैंने इसमें बिल्कुल ही 1 मिनट में ये सिक जाएगा, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो बहुत ज़्यादा देर तक इसको ना भुने। ये तरबूज और खरबूजा का बीज होता है और इन सारी चीज़ों को, इसमें कोई चीज़ स्किप करना है तो स्किप कर सकते हैं। और ये मैंने काजू और बादाम लिया है, इसको भी मैंने मोटा मोटा ही मिक्सर ग्राइंडर में चला लिया था। और इसको हम रोस्ट कर लेंगे। इसमें मैंने कुछ अखरोट भी यूज़ किए हैं, आपको जो इसमें से स्किप करना है स्किप कर सकते हैं। इसको भी हल्का सा रोस्ट करेंगे, इसमें कोई घी नहीं डालना है, सिर्फ इसको इसी तरह से रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट। जब ये हल्का सा कलर अच्छा हो जाएगा, क्रिस्पी सा दिखाई देने लगेगा, तो हम इसको निकाल लेंगे। तो ये भी हमारा रोस्ट हो गया है। गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई ना करें, सिर्फ लो करें या मीडियम करें। और इसमें तिल डाल दिया मैंने, हाफ बाउल मैंने इसमें तिल लिया है। तिल भी फौरन ही रोस्ट हो जाती है और इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज ना होने दें, नहीं तो सारे लड्डू का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और कढ़ाई भी गर्म रहता हुआ है, क्योंकि अभी सारी चीज़ें भून रही हैं, तो सिर्फ कुछ 1 मिनट में ही इसको जल्दी से चलाकर और उतार लें। तिल भी हमारी भून चुकी है, अब इसमें मैंने डाल दिया है ओट्स। ओट्स को भी डालकर हम 5-6 मिनट के लिए भून लेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको भूनने में, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसको भून लेंगे। रोस्ट के साथ ये लड्डू जब बनाएंगे ओट्स के साथ रोस्ट करके, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ये हेल्थी भी है। और इसमें मैंने नारियल का बुरादा डाला है 1 बाउल, थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, या घर में जो नारियल अब सूखा नारियल है उसको भी हम बारीक काट कर या कद्दूकस करके भी हम डाल सकते हैं इसमें। इसको भी हमें हल्का सा रोस्ट करना है। और ये मैंने लिया है 1 बाउल मैंने लिया है अंजीर और 1 बाउल मैंने लिया है खजूर। खजूर का बीज निकाल लिया है, इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और इसको मैंने धुल लिया है। धुल कर इसको मिक्सर ग्राइंडर में चला लेंगे। और तिल को मैंने अलग रखा है, बाकी चीज़ों को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर और इसको हम चला लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको बारीक पाउडर नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा मोटा ही रहना चाहिए। और सारी चीज़ों को पहले ठंडा कर लेंगे, तभी इसको मिक्सर ग्राइंडर में चलाएंगे। गरम गरम नहीं डालें, नहीं तो इसमें सारी चीज़ों में ऑयल होता है। और इसके बाद मैंने सारी चीज़ों को इकट्ठे कर लेना है। तो इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिया है और ओट्स भी। और इसमें मैंने तिल डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने लिया है इलायची पाउडर। और ये खजूर और अंजीर है जिसको मिक्सर ग्राइंडर में मैंने चला लिया था और इसको मैंने भिगोया नहीं, इसीलिए बीच बीच में कुछ इसके चंक्स भी हैं जो धीरे धीरे मेल्ट हो जाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो कुछ देर के लिए इसको थोड़े से पानी में भिगो दें। और इस तरह से मैंने किया है जिससे कि लड्डू जब बनेगा तो क्रिस्पी रहेगा। इसमें कोई पानी नहीं डाला है और इसमें सारे चीज़ों को मैंने इस अभी मिक्स कर लेना है, क्योंकि जब तक ये हमारा मेल्ट हो रहा है तब तक हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को एक बराबर मिक्स कर लेंगे, जिससे लड्डू बनाएं तो सारी एक लड्डू में सारी चीज़ें आ जाएं। और थोड़ा सा ये ठंडा भी हो चुका है, लेकिन अब इसमें डाल दे रही हूँ मैंने हाफ बाउल से, मैंने 2 हाफ बाउल मैंने लिया है इसमें देसी खांड।
ये चीनी नहीं है, देसी खांड है जो लड्डू में यूज़ किया जाता है। ये चीनी की तरह नहीं होता है, थोड़ा ये हेल्दी होता है। और इसमें डाल देने से, इसमें थोड़ा भी जो लिक्विड है इसके वजह से, इसमें एक चाशनी टाइप का, एक लिक्विडी सा, जिससे बन जाएगा डो टाइप का, जिससे कि हमारे लड्डू बनाने में आसानी होगी। ये धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा इसके साथ ही। तो इस तरह से हो गया है और इसमें कुछ चंक्स भी रह गए हैं, तो इससे ये जो हमें लड्डू खाने में टेस्टी लगेगा और भी। तो इस तरह से हमने इसको 10-15 मिनट के लिए पका लिया है, जिससे इसमें कोई भी नमी ना रहे, कोई भी पानी ना रहे। इस तरह से लड्डू हमारा काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होगा। अब बिल्कुल गैस का फ्लेम लो कर दिया है, सारी चीज़ों को उसमें मिक्स कर लिया है। इस तरह से वो धीरे धीरे मेल्ट भी हो जाएंगी, जो जो उसमें चीनी या मैंने इसमें डाला है जो खजूर, और इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। अब मैंने गैस बंद कर दिया है, गैस बंद करके इसको मैं चला रही हूँ कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब इसको हम ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद ही लड्डू बनाएंगे। तो मैंने दूसरे पैन में डाल, दूसरे पैन में मैंने लड्डू को बनाने के लिए रख दिया है, थोड़ा ठंडा हो गया है। अब अपने हिसाब से छोटा या बड़ा बना लेंगे। और इस तरह से लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ऐसा नहीं लगेगा कोई चाशनी की या गुड़ की या चीनी की उसको बनाने में ज़रूरत है। और ये लड्डू काफ़ी हल्का होता है बनाने में भी और उठाकर रखने या खाने में भी, क्योंकि इसमें कोई भी आटा या सूजी या बेसन नहीं डाला गया है। और ये अपने आप में ही सिर्फ थोड़ा सा कम ड्राई फ्रूट्स और सारे सीड्स से बना हुआ है, जो बहुत ही हेल्दी होता है। और इसमें कोई ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए जल्दी से ख़राब भी नहीं होता है। और इस तरह से बनाकर इसको मैंने रखा था और बिल्कुल भी ये लड्डू ख़राब नहीं हुआ। एक महीने तक घर बिल्कुल, मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा था, घर सेल्फ पर ही रखा था और कंटेनर में, इसको एयर टाइट कंटेनर में रखें तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये 2 महीने तक भी आप इसको रख सकते हैं बिना फ्रिज का। और ये बच्चों को भी खिलाएं और बड़ों को भी, किसी भी एज ग्रुप के लिए कोई इसमें कुछ भी नुकसान करने वाली चीज़ नहीं है। और ये काफ़ी सॉफ्ट है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं जो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और किसी भी मौसम में हम इसको बना कर रख सकते हैं या खिला सकते हैं, जो घर में किसी को अगर बच्चा हुआ हो उसको भी हम खिला सकते हैं, उसके लिए भी हेल्दी है और घर के सारे लोगों के लिए ये हमारा हेल्दी लड्डू तैयार हो गया है। तो आप इस हेल्दी लड्डू को बहुत ही आसानी से बनाएं अपने घर में। बनाने के लिए कोई भी चाशनी या कुछ भी और देखने की ज़रूरत नहीं है, और गुड़ और चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। खजूर और अंजीर के साथ और सारे सीड्स के साथ ये हेल्दी लड्डू हमारा तैयार हो गया है, जो हम काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप इस हेल्दी लड्डू को अपने घर में ज़रूर बनाइए, सबको बहुत ही पसंद आएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।